लेडी सिंगर में रानी जी को कास्ट किया है लीड रोल में, क्या कहना चाहेंगे रानी जी व्यक्तित्व के बारे में एज एन एक्ट्रेस एज एन ह्यूमन बीइंग? तो देखिए पर्सनली फर्स्ट मैं आ जाता हूँ आपके पहले क्वेश्चन पे, ह्यूमन बीइंग पे, शी इज मैं, ये मेरी तीसरी फिल्म है, तो कहीं मुझे लगता है कि किसी आर्टिस्ट के साथ तीन फिल्में करना, तो डेफिनेटली वो आर्टिस्ट ह्यूमन बीइंग अच्छा होगा तभी आप कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक इनकी कास्टिंग की बात है लेडी सिंगम में, तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा और मुझे लगा कि इस रोल के लिए ऑप्शन नहीं है भोजपुरी में, एंड शी विल बी द राइट चॉइस, कि किसी और को मैं लूँगा तो उसके साथ भी मैं बना सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे उसको ग्रूम करना पड़ेगा। अब अगर मैं ग्रूम करने जाता हूँ तो उस आर्टिस्ट के पास इतना टाइम होना चाहिए जो मुझे दे, जो मैं उसको ग्रूम कर सकूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आजकल नई एक्टर लोग सोचते हैं कि हमें सब आता है, वो टाइम नहीं निकालते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये ग्रूम्ड है और इसके साथ काम करने में मुझे इजी होगा और कैरेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेन जस्टिफिकेशन फॉर द कैरेक्टर है, तो वो जस्टिफिकेशन मुझे इससे इनसे मिला। शक्ति जी इस फिल्म का वो कितना बड़ा प्लस पॉइंट मानते हैं? शक्ति कपूर जी, देखिए हम लोग सोच रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारे पास टॉप लेवल के वो तीन स्टार जो हैं वो उनमें से कोई नहीं था फिल्म में, तो हमने सोचा कि फिल्म को क्या करें जो उस लेवल पर आ जाए, कि अगर उनकी फिल्म के सामने भी अगर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो ऑडियंस को उतना ही हमारी फिल्म का भी क्रेज़ रहे, ऐसा क्या करें हम जो हो सकता है मुमकिन। तो मैंने एक रिस्क लिया, हमारे प्रोड्यूसर ने भी रिस्क लिया और बोला जी, मैंने शक्ति जी के बारे में जब बात आई तो बोले हाँ शक्ति कपूर जी को लेते हैं, एंड लेट्स सी, शायद प्रोजेक्ट उस लेवल पे आ जाए कि अगर तीन टॉप स्टार की फिल्म आ रही है तो उसके सामने भी हमारी फिल्म लोग देखने थिएटर में आए। फिल्म तो काफ़ी सफल बना चुकी है, अभी वेब सीरीज प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे उसको एक्सप्लोर करने वाले? हाँ, वेब सीरीज अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, न्याय द जस्टिस, उसकी पूरी कास्टिंग हो गई है, पूरे 8 एपिसोड है, पूरे 8 एपिसोड मैंने ही लिखे हैं और उसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, आरशी मेहता है, अश्मित पटेल है, किंशुक है, और अपना अमन वर्मा जी है, जयाप्रदा जी प्लेइंग एन एडवोकेट, शक्ति कपूर जी अगेन रिपीट प्लेइंग एन एडवोकेट, और उसमें अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, और भी बहुत अच्छी स्टारकास्ट उसमें इकट्ठी की है हमने, और 8 एपिसोड है उसको, जल्दी हम उम्मीद है फरवरी 15 के बाद हम शूट करें। थैंक यू।